सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, चाहे बिहार की बात करें या अदर स्टेट की बात करें, ठीक है। जो भी इसके एंट्रेंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड कोर्स होता है वो होता है एग्रीकल्चर होता है ऐसे, बट एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है वो होता है बीएससी नर्सिंग। तो अब आखिर भाई क्या है बीएससी नर्सिंग में जो कि ये इतना डिमांडेबल है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसमें फ्यूचर आप अपना कैसे बना सकते हो, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसकी क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, जब इससे आपको जॉब लगेगी आपकी सैलरी कितनी होगी, अप्रोक्स सारी डिटेल बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करना चाहूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा काउंसलिंग चालू है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कमेंट में पिन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखिए बीएससी नर्सिंग क्या होता है। बीएससी नर्सिंग, तो देखिए मेडिकल लाइन, आप लोगों को मालूम होगा कि मेडिकल लाइन जो होता है आज के फील्ड में बहुत ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। क्यों सुपीरियर माना जाता है? क्योंकि देखिए अभी जो कोरोना का इतना वैश्विक महामारी फैला, तो आप लोग देखे होंगे कि मेडिकल लाइन क्या रोल प्ले की किसी इंसान के लाइफ में, तो इसी से मेडिकल को और बढ़ावा मिला। और इन फ्यूचर जैसे लोगों का रहन सहन हो रहा है, जैसा शैली में लोग रह रहे हैं, ये ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में लोग ज्यादा बीमार में, तो गलत सेंस में मत लीजिएगा, बट ये फ्यूचर है हमारा कि जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा हेल्दी एक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही एक रीजन है कि मेडिकल लाइन का ग्रोथ, और आजकल मेडिकल लाइन इतनी टेक्नोलॉजी भरी होते जा रही है, इतना टेक्निकल उसमें चीजें आ रही हैं, एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, जिससे मेडिकल लाइन काफी ग्रोथ की है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम लाइक कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग, लोग मेडिकल को ज्यादा प्रिफर करते हैं, बट जितना ये अच्छा सफर है उतना ही मुश्किल सफर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को क्या देना पड़ता है बाबू? नीट देना पड़ता है। नीट से अगर उनसे कॉलेज मिलता है तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, नहीं तो फिर उन्हें प्राइवेट के चक्कर काटने पड़ते हैं। और प्राइवेट से एक मैं बात बोलूं आपको, मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी के लिए प्राइवेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा, आप लोग जानते होंगे करोड़ों करोड़ में फी रहती है, लाख दस लाख, तो ऐसे मामूली सा बात है, तो वो सारा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के आपका एक ऑप्शन होता है नीट, जिसके थ्रू आपको मिलता है एमबीबीएस कॉलेज। क्या मिलता है बाबू? एमबीबीएस कॉलेज। तो एमबीबीएस कॉलेज आप ले सकते हैं नीट के थ्रू, बट एमबी नीट बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर एक स्टेट अपना अपना नर्सिंग के लिए अपना एक एंट्रेंस लेती है। जैसे बिहार में होता है बीसीसी, झारखंड में होता है जेसीईसी, उसी तरह सारे स्टेट का अपना अपना एग्जामिनेशन है नर्सिंग को लेकर, जिसको आप क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नर्सिंग का। उसी तरह से बिहार में हमारा बीसीसी चल रहा है, जिससे हमारा नर्सिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट की नर्सिंग आखिर क्या है, ठीक है। तो या तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं गवर्नमेंट फील्ड से अगर करना चाहते हैं, नहीं तो लोग नर्सिंग लाइन प्रीफर करते हैं। नर्सिंग हल्का सा लो होता है मतलब एमबीबीएस आप कर सकते हो, हल्का सा लो होता है, ठीक है। कैसे क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहला चीज इसका मैं एलिजिबिलिटी बता देना चाहता हूं, अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 12th में या तो पीसीबी होना चाहिए या पीसीएमबी होना चाहिए, मतलब अदर वर्ड में कहूँ कि बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो मेन सब्जेक्ट आप रखें या सेकेंडरी सब्जेक्ट रखें, बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए, तब आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। प्लस टू आप पास आउट होना चाहिए या अपियरिंग होना चाहिए, ठीक है। प्लस टू पास आउट या अपियरिंग, ठीक है। ये हुआ बाबू एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत तगड़ा है, इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एमबीबीएस करते हो आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है। बट सिर्फ डॉक्टर से बाबू मेडिकल लाइन तो चल जाते हैं, एक नर्स होती है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा नर्स पेशेंट के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पे नर्सेस होते हैं, तो वही नर्स, नर्स कंपाउंडर ये सब होते हैं, तो वही नर्स का ये काम है बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आप समझो कि मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो अक्सर आप देखोगे जितना भी बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज सब क्या है, आपका कॉलेज प्लस हॉस्पिटल एक साथ रहता है, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल सब एक साथ रहता है, चाहे एनएमसीएस देख लो, NMCS देख लो, JLMCS देख लो, या कोई भी देख लो, ठीक है, सबका हॉस्पिटल और कॉलेज एक साथ होता है। तो होता क्या है बाबू, इसमें जब आप पढ़ाई करते हो किसी कॉलेज में, तो जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होता है आपको उसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स अपॉइंट कर दिया जाता है। मान लीजिए 60 बच्चे पढ़ रहे हैं एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में, तो उसमें मोस्टली चांस रहता है 40-45 बच्चों का उसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स गवर्नमेंट में इंप्लॉय हो जाए, ठीक है। और बाकी जो बच्चे बचते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट में क्या है,
इतने हॉस्पिटल्स हैं पूरे हर एक शहर में, देखोगे आप बराबर हॉस्पिटल 5-6-10 मिल जाएंगे आपको, बराबर शहर में जाओगे तो आपको कदम कदम पे हॉस्पिटल मिलेगा। तो उनको चलाने के लिए क्या नर्सेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो डॉक्टर से चल जाएगा या वहाँ के वर्कर से चल जाएगा, नहीं चलेगा ना, वहाँ पर नर्सेस चाहिए। तो वही नर्सिंग का काम करते हैं जिनके पास डिग्री रहता है बीएससी नर्सिंग का, अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो मेडिकल लाइन में बहुत सुपीरियर हो जाओगे, एक वेल सेटल आपका जिंदगी होगा, ठीक है। गवर्नमेंट फील्ड से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, क्यों इतना मार होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट फील्ड में जब जाते हो आपका साथ साथ जॉब लग जाती है, साथ साथ जब आप गवर्नमेंट फील्ड में मेडिकल लाइन में गवर्नमेंट फील्ड में एक जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोग बीएससी नर्सिंग को ज्यादा पीछे भागते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हो, या तो गवर्नमेंट कॉलेज से आप किए हो तो गवर्नमेंट में ही डायरेक्ट चले जाओ, या जो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं भी किए हैं उनके लिए वैकेंसीज निकालती है सरकार नर्सिंग की, उसमें आप अप्लाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, नहीं तो प्राइवेट जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सभी में नर्सिंग वाले को लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है वहां पर नर्सेस की जरूरत होती है, और कभी कभी पे स्केल भी प्राइवेट का ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो ये सब देखते होंगे आप, उसमें भी तो नर्स का जरूरत होगा। सोचिए उसका सैलरी कितना होगा, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है उसका सैलरी कितना होगा, ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ही एडवांटेज है क्योंकि इसको करने से पहली बात आपको क्विक जॉब मिलता है, ठीक है। इसका एडवांटेज है बाबू, इसके करने से आपको जो है क्या होगा, पहला एडवांटेज है क्विक जॉब, आपको जॉब बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि मेडिकल लाइन में एमबीबीएस कितना लंबा कोर्स होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है ये आप जानते हैं, तो ये क्विक जॉब वाला एक कोर्स है जिसको करने से आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। दूसरा, वेल सेटल्ड आपका लाइफ रहता है, वेल सेटल्ड लाइफ रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज से मिले तो आपका पूरा गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में आपका इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, रोल इक्वल है, ठीक है। चलिए ये हुआ इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज यही है कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है नीट निकाल के एमबीबीएस करने का, नीट निकाल के बढ़िया बढ़िया कॉलेज लेके पढ़ने का, बट वो नहीं निकाल पाते हैं, तो बीसीसी जब वो देते हैं या जेसीसी देते हैं तो उनका नर्सिंग मिलता है, तो एक कह सकते हो कि वो एमबीबीएस से लोअर स्केल पर रह जाते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं मैं बीएससी नर्सिंग वाले को बुरा बोल रहा, बहुत फ्यूचर स्कोप अच्छा है, इतने कॉम्पिटिशन है ये मैं हर साल देखता हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ऐसा बात नहीं, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है ये मेडिकल लाइन का एक एक कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यही बात है, थोड़ा सा एमबीबीएस से लो रहता है, यही एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। जॉब सैलरी, अब पे स्केल क्या होता है ये भी मैं डिटेल से आपको बता दूं, क्योंकि सबके मन में तो ये रहता है कि भाई हम नर्सिंग तो कर लेंगे, जॉब भी लग जाएगा, हम कमाएंगे कितना, ठीक है, हम कमाएंगे क्या, हमारा जॉब सैलरी क्या रहेगा, ठीक है, जॉब सैलरी क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेशर्स जो होते हैं फ्रेशर्स मतलब पता है ना, जो न्यू डिग्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उनका सैलरी स्टार्टिंग होता है 15,000 से स्टार्टिंग होता है, से लेके आपका 30,000 तक सैलरी जाता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट फील्ड रहे प्राइवेट रहे सबका लगभग, प्राइवेट में और ज्यादा पे स्केल होता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा पे स्केल, ठीक है। जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, ये सैलरी आपका 30,000 से 50,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है, 50,000 तक पहुंच जाता है। जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यही सैलरी आपका 75 से लेकर 90,000 तक में आराम से कन्वर्ट हो जाता है इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट। और प्राइवेट की आप बात ही छोड़ सकते हैं, प्राइवेट में तो लाखों लाख दिया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी हॉस्पिटल उतना बड़ा फी, ठीक है, उतना बड़ा सॉरी चार्ज आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया पे स्केल कितना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर कर दिए होंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हाँ आपका रिप्लाई देंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और आपका कमेंट का क्वेरी का दूर करेंगे। उम्मीद है आप लोग जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए सारे कॉलेजेस में, और अपना लाइफ एक सिक्योर वे में बनाइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एस्पेक्ट विजन को, और हमसे जुड़े रहिए, सारा डिटेल आपको मिलते रहेगा, और काउंसलिंग के लिए करा ले। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।